हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल सो कैसे आप सभी लोग आई लोगों ने हमारी पिछली स्टोरी में देख लिया था कि हम दोनों की जर्नी कितनी डिफिकल्ट थी और हम दोनों किस तरह से स्ट्रगल कर रहे थे हम दोनों और किस तरह से हम गुजर रहे थे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी गाइस क्योंकि तो वो शायद आप लोग महसूस नहीं कर पा रहे लेकिन हम दोनों वो चीज वो पल जिया है हम दोनों ने तो चीज हम को हमने हम दोनों ने तो बहुत ज्यादा देखा है महसूस किया है कि हमें साथ क्या हुआ था और क्या, क्या क्या करा है हम दोनों ने एक दूसरे के लिए और अच्छा हम तो एक दूसरे के ने जो जो कराए ना तो प्राउड भी महसूस करते नहीं यार अपन ने भी प्यार किया है

कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम दोनों अब कहाँ जाएंगे क्या करेंगे जेब में कुछ पैसे नहीं क्योंकि एक टाइम तो कुछ पैसे थे भी सही लेकिन इसके बाद में हम दोनों के पास में कोई पैसे नहीं किसी को फोन नहीं लगा पा रहे थे हम दोनों क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कई और फोन लगा रहे थे तो फोन भी उठा नहीं रहे थे बहुत बहुत सारे जो कॉन्टेक्ट थे हम लोगों के पास में सब सब दूर जैसे बात फैली जाती है जैसे कि इन्होंने ऐसा किया है वैसा किया है सब दूर जिसे आप लोगों को पता ही है कि अगर एक छोटा सा भी चीज़ होता है जैसे अच्छी चीज़ अगर को कोई करता है तो अच्छा चीज़ तो कोई देखता नहीं है लेकिन अगर थोड़ा सा भी कोई गलत कर देता है तो उसका कितनी जल्दी हवा फैलती है आप लोगों को पता ही है तो हम दोनों की स्टोरी भी वैसे ही फैल रही थी कि हम दोनों की क्या हम दोनों की जो लाइफ थी बहुत डिफरेंट हो चुकी थी उस टाइम कोई हम लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा था कोई हमारे साथ में खड़ा हुआ नहीं था हम दोनों किसको भी किसी को भी कॉल कर रहे थे तो कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था हम लोगों के हम दोनों ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए थे उस टाइम मैंने महक को हौसला दिया कि महक मैंने महक टेंशन मत लो ऊपर वाले ने यहां तक पहुंचाया है ना अपने दोनों को जब वहां से हम दोनों को इतनी भीड़ में से निकाल के आज यहाँ पे बिठा दिया है तो कुछ ना कुछ उसने भी अच्छा सोचा होगा हम दोनों के लिए क्योंकि वहां से सूरत में जो स्टेशन पे जो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा गाइस ऐसी बुरी कंडीशन थी ना वहां पे कि मैं आपको क्या ही बताऊं हम दोनों ने तो वो चीज वो चीज वो पल देखा हुआ है हम दोनों की आंखों में बसा हुआ है वो कभी जिंदगी में हम लोग भूल नहीं सकते वो पल को तो हम लोगों ने तो वहां पे देखा था वो पल तो कभी क्या ही बताऊ मतलब अगर आप लोग शायद कोई भी अगर जो हमारे सब्सक्राइबर है कोई भी अगर वहां होता ना तो पल देख के कभी जिंदगी में यो नहीं सोचता कि यार मैं ऐसी शादी करूं ऐसा सीन क्रिएट हुआ था सोचिए आप स्टेशन पूरा बंद हो चुका था वहां पे क्योंकि बस मुश्किल से क्योंकि रात का टाइम था दो ढाई बजे के आसपास ये केस हुआ था तो इस टाइम इसकी वजह से शायद वीडियो वीडियो अपलोड नहीं हुई नहीं तो वीडियो वीडियो वायरल सुबह तक न्यूज व्यूज सब में आ चुका होता तो और ही साथ भी और आज नहीं भी, आज भी वही सपोर्ट किया और ही और जिन लोगों ने नहीं देखा होगा तो चेक कर सकते हैं हमारी वीडियोस को फर्स्ट जैसे कि हिंदू मुस्लिम फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं हमारी लव स्टोरी का हम दोनों की लव स्टोरी कैसे शुरू हुई हम दोनों को कैसे प्यार हुआ और प्यार होने के बाद में हम दोनों ने कैसे डिसीजन लिया शादी का और शादी करने में हम दोनों को कितनी प्रॉब्लम हुई सारे पार्ट्स आपको चैनल पे मिल जाएंगे आप देख सकते हैं, इस बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ जैसे कि अब हम लोग वहां पे बैठे हुए थे कोई फोन नहीं उठा रहा था कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था उसके बाद में रोने लगी उस टाइम गाइस लेटरली बता रहा हूँ महक रोने लगी क्योंकि यार मैं तो उसका हौसला बन के खड़ा हुआ था लेकिन मैं आंखों में से आ गए। और उस टाइम गाइस मैंने अपनी आंखों में से आंसू आंसू को छुपाए तो मुझे भी आ रहे थे कि यार अब क्या होगा क्या होगा पता नहीं कोई साथ नहीं सपोर्ट नहीं कर रहा और अपन दोनों यहाँ खड़े हुए अगर रात हो जाती है तो हम दोनों को कैसे क्या करेंगे कुछ कुछ बार तो ऐसे ख्याल आए कि यार कहीं कुछ कर देते हैं और पुलिस स्टेशन चले जाते हैं ताकि अपने को कुछ ना कुछ सोने की व्यवस्था तो होगी कुछ माइंड नहीं चल रहा था गाइस उस टाइम

मैंने बोला इनको भी क्यों नहीं थी अब आप इतना डिफिकल्ट टाइम हो रहा था हम दोनों का लेकिन उसके बाद भी मैं बस भगवान के भरोसे था कि यार कुछ ना कुछ वो ऊपर वाला जरूर करेगा अच्छा करेगा हम दोनों को तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा लेकिन मैं सिर्फ उस पर भरोसा था मुझे कुछ ना कुछ होगा

अब आप सोचिए कि अगर कल से किसी को पता चलता है कि यार मह को तो इस कंडीशन में रख रहा है कि उसका गोल्ड बेच के वो आदमी काम चला रहा है तो गाइस मैं बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कभी भी क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया है तो मैं कभी भी नहीं कर सकता था गाइस और वो भी अपनी वाइफ का जो कि मेरे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे लिए सब कुछ आई है कि ताकि यार मेरी लाइफ अच्छी हो सके यहाँ पे जो इनके रिलीजन में इतना लेडीसों को महत्व देते हैं और इतना रिस्पेक्ट करते हैं इतना सम्मान करते हैं ये लोग और उस बीच में गाइस सोचिए आपके मैं अगर ये चीज़ें करता तो फिर अपने हिंदू रिलीजन में कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ता अगर कल से किसी को ये चीज़ पता चलती तो तो मैं नहीं चाहता था गाइस के इस तरह से बिल्कुल भी करूं और मैं तो क्या हिंदू में अगर कोई दूसरी कास्ट से भी कोई लड़की होती तो कभी भी ये चीज़ नहीं करना चाहिए गाइस हाँ मेहनत करो कुछ भी करो लेकिन ये चीज़ें तो कभी नहीं करना चाहिए लेडीज़ का जो कहना होता है ना वो उसका सुहाग यूँ समझ लीजिए आप कि उसके लिए सब कुछ होता है तो मैंने मेहनत महक को मना कर दिया कि ये तो नहीं होगा उसके बाद में मेरे दो तीन घंटे हो गए हम दोनों बैठे हुए थे भूखे ही बैठे हुए थे हम दोनों ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था और फिर उसके बाद में फिर हुआ ऐसा कि मैंने फ़ोन उठाया और फोन उसके बाद में एक नंबर लगा और उन्हीं को नंबर लगा जहाँ पे हम दोनों पिछली वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि यार हम लोग वहाँ पे गए थे लेकिन उन्होंने ऐसा सीन किया था तो एक बार मैंने और ट्राई करा मैं लगाना नहीं चाहता था लेकिन उसके बाद में मैंने एक बार और ट्राई करा कि उसके बाद मैं जब चार पांच मिनट हुए उन्होंने ऐसा कुछ बोला मुझे कि यार तुम लोग कहाँ पे हो क्या हो सुरक्षित हो कि नहीं हो इस टाइप से उन्होंने बात की तो मैंने बोला उनको क्लियरली देखोगा मैंने तो जो भी है सच आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा मैंने तो उनको क्लियरली बोला कि यार आप को हमने इतना माना इतना सब कुछ करा और जब आप घर पे आते थे मैंने आपकी खातिरदारी में कुछ भी कमी नहीं रखी वो है तो हमारे रिश्तेदार और यूँ समझ लीजिए कि हमारी फैमिली मेंबर जैसे ही है तो मैंने सब कुछ करा ठीक है और आज मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ इस घड़ी में हूँ तो आज आप मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हो मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे को जिंदगी भर सपोर्ट ही करना लेकिन मैं ऐसे बुरे टाइम में फंसा हुआ हूँ कि जब मेरे पास में ना पहनने को कुछ है ना कुछ भी नहीं है मतलब मेरे पास में ना रहने को ना खाने को कुछ भी नहीं है और आपने ये ये चीज़ करी कि मतलब मैं घर पे आया था मैंने उनको ये तो नहीं बताया लेकिन मैंने मन में सोचा भी सही कि यार बोलू कि नहीं बोलू लेकिन फिर मुझे गलत लगा कि यार नहीं बोलना चाहिए तो फिर मैंने उनको नहीं बोला ये चीज़ तो लेकिन फिर मैंने उनको इतना ही बोला कि यार आप आज नहीं सपोर्ट करोगे तो फिर कब सपोर्ट करोगे फिर उन्होंने बोला कि काम करो आ, मेरे पास में तुम्हारी फैमिली का भी कॉल आया था और वो बोल रहे थे कि यार उनको देखो कहीं हिफाजत से तो है ना मतलब कुछ कर नहीं दे कुछ कोई कोई लोग इस टाइप से उन्होंने बोला फैमिली वालों ने तो किसी ने बात नहीं की लेकिन उनके पास में फैमिली का कॉल आया हम दोनों की और हम दोनों की हम दोनों की सॉरी मैं की फैमिली वालों वालों की तरफ से तो कोई कांटेक्ट नहीं लेकिन मेरी फैमिली वालों ने उन पर कॉल करके बोला कि उनको देखना और सेफ्टी से वो जहाँ भी हो थोड़ा बहुत और उनका सपोर्ट करना मतलब फैमिली की तरफ से उनको बोला गया ऐसा तो कई सोचिए कि मतलब हम दोनों दो तीन घंटे के बाद में हम दोनों को उन्होंने बोला कि फोन लगा के कि आप लोग एक काम करो बैग उठाओ और बैग उठाने के बाद में यहाँ पे आ जाओ ठीक है गाइस तो हम जरा सी दूर पे थे मतलब मुश्किल से होगा आधा किलोमीटर शायद तो आधा किलोमीटर के बाद में हम दोनों ने बैग से उठा और पैदल पैदल हम दोनों वहां पे निकल गए उनके घर पे और घर पे गए गाइस और, और घर पे जाने के बाद में उनको सारी सिचुएशन बताई वहां पे मतलब जैसे ही हम लोग पहुंचे और उनके पैर वैर छुए हम दोनों ने महक ने भी पैर छुए उनके ठीक है अब उन्होंने हमारे साथ में ऐसा किया तो अब हम किसी से शेयर तो नहीं कर सकते कि ये ऐसा किया आपने क्योंकि हम दोनों को भी कहीं ना कहीं ऐसा है ना यार के सपोर्ट वो करेंगे अभी तो हम लोगों को भी हम लोग उनको कभी नहीं कह सकते कि यार आपने हमारे साथ में ऐसी हरकतें की थी उस टाइम वो दिल में तो लगी ये बात बहुत बुरी लगी थी उस टाइम लेकिन अब किसी को बोल तो नहीं सकते ना हम दोनों फिर उसके बाद में क्या हुआ महक हाँ तो गए फिर हम उनके घर गए उन्होंने बुलाया फिर मैंने पैर वगैरह छुए फिर उन्होंने बोला भी सही टेंशन मतलब हम हैं अच्छा लगा थोड़ा तो कुछ बोला है जो बुरा कर अगर उन्होंने उस टाइम बुरा करा तो कोई बात नहीं अपन भी सामने से बुरा नहीं करना चाहिए सब्र रखना अच्छी हर चीज में ऊपर वाला भी यही कहता है फिर उसके बाद हम वहाँ जाकर बैठे उन्होंने चाय वगैरह पिलाई पानी वगैरह पिलाई शांति मिली थोड़ी उनको भी मैंने थोड़ी रिलैक्स कर चलो कुछ तो होएगा देखो भगवान तो है से अपने साथ ऊपर वाला तो बैठा है तो किस बार का डर उसके बाद फिर बैठे थोड़ा अच्छा लगे क्या करा इधर उधर से कुछ पैसे वगैरह करे कुछ बोला कर कर जुगाड़ करा इन्होंने करा कि चार पांच हजार का जुगाड़ करा ताकि हम एक रूम ले सके रेंट से रूम ले सकेगा हम उसमें रह ले इनके भी थोड़ी रह सकते तो फिर हमने इधर तो ने कहीं ना कहीं से जुगाड़ करा उस टाइम हमेशा याद रहेगा वो तो कैसे पलते हमारे फिर जुगार करने के बाद फिर आए हमारे पास फिर से तो थोड़ा लगा कि नहीं आए इतने तो करो। एक था, आज चार पाँच हजार रुपया आ गए बहुत है अभी तो रूम रेंट अपन दे सकेंगे उसके बाद हमने मतलब रूम रूम ढूंढा तो रूम मिलना ही मुश्किल जहाँ हम रहते हैं इस, उस बहुं बहुं मिलना, मिलना ही मुश्किल मुश्किल था मतलब एक रूम मिला था तो वहां पर मतलब पसंद कर देख कर ये देख कर आ गए और मेरे से पूछने आया कि तुम देख लो एक बार चल के तो इतने में ही वो रूम बुक हो गया तो मुझे तो इतना गुस्सा आया कि मैंने वो रूम मिलते हुए भी बुक हो गया लो अपने अपने जितने पैसे अपने पास तो इतने पैसे का मैं वो रूम मिला अच्छा मिला रेंट से इतना प्यारा रूम था गई मुझे बहुत पसंद भी आ गया था पर लेकिन किस्मत में किस्मत ने वहाँ पे साथ छोड़ दिया कि वो रूम भी चला रहे हैं फिर उसके बाद में दूसरा रूम देखने गए तो फिर उसके बाद में बहुत यहाँ पे जिस जो सिटी में हम लोग हैं अभी तो यहाँ पे क्या है कि बहुत ज्यादा हाई रेंट है जैसे कि किचन आठ हजार रूपए से स्टार्टिंग ही है यहीं मतलब पे और उसके बाद में अगर वन बी का वन बी एच के अगर फ्लैट अगर आप लेते हो तो दस बारह हजार से स्टार्टिंग है अगर मैक्सिमम अगर देखा जाए सोलह हजार पंद्रह रुपये वन बी एच के का रेंट है यहाँ पे अगर एक रूम किचन अगर आपको लेना है तो आठ हज़ार रुपये तो आपका नॉर्मली एक रेंट है ही है तो उसके बाद में गाइस मैंने चार पाँच हज़ार रुपये का थोड़ा सा जुगाड़ करा और उसके बाद में फिर जो मेरे रिश्तेदार थे कज़न थे उन्होंने कुछ पैसे दिए ऐसे करके हम दोनों ने छः हज़ार रुपये तक का एक रूम रेंट पे लिया हम लोगों ने जैसे जिसमें पास, पाँच पाँच हज़ार रुपये तो रूम रेंट है और जैसे कि आप लोगों ने देखा ये पाँच हज़ार रुपये रूम रेंट है और उसके बाद में बिजली का बिल वगैरह पानी का बिल बिल सब करके मतलब छः हजार रुपये पूरा वो टोटल करके है छ हजार रुपये रेंट हम लोगों को हर महीने पे करना है ही है और जिसमें हम लोगों के पास में आप लोगों ने नोटिस किया है कि कैसा रूम है क्या नहीं है तो गाइस इतना सब कुछ हमारे साथ में हो रहा था अब रूम तो हम लोगों के लिए ढूंढना मुश्किल हो रहा था बहुत ज्यादा उस टाइम रूम ढूंढा दो दिन लग गएगा इस और दो दिन में हम दोनों को इतना बुरा लग रहा था कि यार कैसे मैनेज करे क्या करे बहुत दो दिन तक हम लोगों ने कैसे मैनेज किया और दो दिन के बाद में में फाइनली एक रूम रूम मिला और रूम मिलने के बाद में फिर उनको रेंट, रेंट, रेंट पे करा और पे करने के बाद में हम लोगों ने उस दिन जमीन पे हम दोनों ने वापस से जब यहाँ पे आए ना हम लोग तो हम लोग के पास में बिस्तर तक नहीं थे उन्होंने रिश्तेदारों ने इतना तक नहीं सोचा कि यार ये लोग कितनी तकलीफ से गुजर के आए हैं और करने के बाद में हम लोगों को बिस्तर तक नहीं दिए उन्होंने सोचिए आप बिस्तर तक नहीं दिए हम लोग जमीन पे सोए हैं उस दिन उस नाइट में जब रूम बुक किया ना हम लोगों ने हम हमारे पैसे के साथ में तो हम लोग जमीन पे सोए दोनों चटाई बिछाई और चटाई बिछाने के बाद ना उस पे चटाई के ऊपर सोए हम दोनों ऐसी स्थिति थी उस टाइम गाइस इतना हुआ उसके बाद में फिर एक दो दिन बाद वापस से फैमिली मेम्बर ने या किसी ने कॉल किया शायद उन, उनको वापस से और वापस से कॉल करने के बाद में उनको बोला कि यार ऐसा कुछ करो उनके लिए मतलब फैमिली ने डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करा शायद हम मतलब मेरी फैमिली वालों ने डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करा लेकिन उनको बोल दिया कि, कि आप आपके हिसाब से देख लेना उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देना ज़्यादा सपोर्ट भी मत करना इतना तक भी बोला आप सोचिए ताकि और फिर बाद में जो भी है वो कुछ करने लगेंगे

डिटेल में बता रहा हूँ ना आपको कितना सामान है अगर गिनती से गिना जा सकता वो सामान भी ठीक है दाल दी, एक किलो दाल दी मैं बताऊंगा तो बताऊंगा कोई छुपाने वाली, नहीं। नहीं। वाली बात नहीं जब डिटेल में इतने पार्ट्स बने तो फिर पुर पूरा प्रॉपर ही हम डिटेल में सुनाएंगे ना क्या हुआ क्या नहीं हुआ बताती हूँ इसलिए देखा है मैंने देखा था मैं खाना बनाने वाली मैं हूँ तो इसके बाद एक किलो तो दाल दी फिर एक किलो चावल राइस दिए और एक आटे की जो थैली आती है छोटी कितने वाले किलो की पाँच किलो की वाड़ के थैली दी और चाय पत्ती शक्कर जो भी रहता है वो भी एक एक थैली वो भी छुड़... नहीं सौ सौ ग्राम वाली होगी ना हाँ सौ सौ ग्राम वाली वो दी और बस यही चीज़ें थी है ना और बस हल्दी मिर्ची के

आगे सब बाढ़ में जाए अच्छी तो बात है आप लोगों ने नोटिस की होगी छोटी सी टंकी वो दी थी उन्होंने तो उस टंकी मेंस भी नहीं भरा हुआ था वो भी एक दिन चला था एक दिन इतना चला था उसके बाद गैस भी एक दिन चला मैंने खाना वाना बना के उसके बाद इतना हुआ गई उसके बाद में उनको हम लोग फोन फोन लगा रहे फोन बंद फोन लगा रहे हो तो फोन उठाना नहीं या फिर बंद आ रहा फोन टंकी खत्म हो गई टंकी खत्म होने के बाद में फिर वापस से अब यहाँ पे छोटी टंकी जैसे कि आप लोगों को पता अगर वो बड़ी पंद्रह के की टंकी होती है तो उसमें फुल गैस भरा सकते हैं हम लोग लेकिन वो छोटी टंकी होती है जो तो दस पंद्रह दिन चलती है और दस पंद्रह दिन चलने के बाद में वापस खत्म हो जाती है तो उन्होंने वो टंकी भी भरा के नहीं दी और फिर उसके बाद में अब हम लोग के पास में गाड़ी बाइक तो कुछ भी नहीं था तो उसके बाद में टंकी भराने के लिए भी मैंने वो वापस से गूगल पर सर्च करा और यहाँ से थोड़ा सा दूर था वो तो फिर रेपिडो बुक किया बाइक वाले को लेके गया और टंकी वहाँ से भरवा के लेके आया तो थ्री सिक्सटी की टंकी भरवा के लेके आए फिर वापस से तीन सौ की टंकी भरी उन्होंने जिसमें तीन किलो गैस था वापस से तो इतना स्ट्रगल करा गाइस उस टाइम और उसके बाद में फिर वापस से ज़्यादा कांटेक्ट नहीं किया हम लोगों ने उनसे क्योंकि हम लोगों को ऐसा था ना कि यार इतना सपोर्ट कर दिया उतना ही काफ़ी है फिर बाकी तो आप हमारे लिए ऊपर वाला बैठा हुआ ही है जो भी होगा अच्छा ही होगा हम दोनों के साथ में और आप लोग सपोर्ट करते ही हो हम दो, दोनों को बहुत सपोर्ट किया आप लोगों ने आप लोगों की वजह से आज अब हम लोग सबका नाम रिवील तो नहीं कर सकते इतना स्टोरी में लेकिन जिन लोगों ने भी हम लोगों को सपोर्ट किया जैसे कि फाइनेंशियली फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया गाइस तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों की थैंक यू सो मच शुक्रिया आपका हम लोगों की यही दुआएं रहेगी कि आपने जिन लोगों ने भी हम लोगों को इतना सपोर्ट किया गाइस तो आपके घर में बहुत बरकती हो हम लोग दिल से दुआ दे रहे हैं देखो दिल से दुआ देते हैं तो कहीं ना कहीं वो दुआ सफल होती है हम लोग दिल से दुआ देते आप खूब 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 कमाओ आपके पास खूब पैसा रहे आपकी फैमिली हमेशा खुश रहे आप साथ रहो सब कभी कुछ बुरा ना हो मेरे तो यही दुआली जिसने हमें सपोर्ट करा है जब स्टार्टिंग में जैसे कि किसी ने हम लोगों को जब पैसे डाले थे ना हम दोनों के पास में कोई आशरा नहीं था गाइस उस टाइम में मतलब मिली थी इतनी पता है जैसे थे? कि अब हम दोनों दो दिन से ऐसी ऐसी स्थिति में हम दोनों गुजर रहे थे उसके बाद में हम दोनों को कुछ आइडिया नहीं था क्या होगा क्या नहीं होगा जैब में कुछ पैसे नहीं थे टंकी भी खत्म हो चुकी थी जैसे कि मैंने बताया टंकी भरवाने के लिए मैं गया था तो टंकी भरवा के तो लेके आ गया था उसके बाद में हम दोनों के पास में इतने भी पैसे नहीं थे कि आप आगे क्या करें क्योंकि वो फोन उठाना भी बंद कर दिया उन्होंने क्यार देख लेंगे उनके हिसाब से कुछ भी मतलब इस टाइप्स की उनकी सोच थी मतलब मुझे उनके लड़के से पता चला है कि उन्होंने बोला मतलब ऐसी इस, इस, ऐसी चीजें बोली उन्होंने कि उन्होंने की देख लेंगे उनके हिसाब से तो उसके बाद हम दोनों मह बिल्कुल टेंशन में बैठी हुई थी मैं भी टेंशन में बैठा हुआ था रात को रात को दस ग्यारह बजे का टाइम था उस टाइम दस ग्यारह बजे के टाइम पे गाइस हुआ ऐसा कि हम दोनों बैठे हुए और हम दोनों के पास में एक नोटिफिकेशन आया नोटिफिकेशन आया की तरफ से किसी ने नोटिफिकेशन में हमको मैसेज किया कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो तो हम लोगों को बताना ठीक है तो उस टाइम गाइस उन लोग उन्होंने हमें बोला और अगर हम हमको आप सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज हम लोगों को सपोर्ट कीजिएगा इस टाइप से हम लोगों ने बोला और आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो हम लोगों को अगर सपोर्ट करना चाहते हो इतना मैंने पिछले दिन डाला था तो उसके बाद में वापस से उनका रिप्लाई आया, आया और उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि कन्फर्मेशन मतलब रिसीव कन्फर्मेशन करके बताइए ऐसा करके कुछ मैसेज डाला था उन्होंने तो गाइस मुझे यकीन नहीं हुआ कि यार कोई हो सकता है कोई मजाक कर रहा हो कोई मस्ती कर रहा हो हम दोनों के साथ में हम दोनों को यकीन नहीं हुआ लेकिन फाइनली गाइस मैंने जब मोबाइल चेक करके देखा तो उसमें क्रेडिट हुए थे पैसे और उस टाइम मैंने महक को बताया तो महक यकीन नहीं कर रहे झूठ मत बोलो ऐसा बोलती है। मैंने बोला सच में किसी ने हम लोगों की सपोर्ट करा है और उन्होंने हम लोगों को सपोर्ट करा है तो महक देख के इतनी खुश हुई ना कि यार भगवान सच में है और जब से आप लोगों ने देखा ना जब से महक कुछ भी मांगती है भगवान से मांगती है आज वो शिव भक्त है मतलब दिल से बताना जैसे मैं हनुमान भक्त हूँ ना मैं हनुमान जी को बहुत मानता हूँ शुरू से मैंने महक को नहीं बोला कि महक को किसी तरह से मैंने फोर्स किया हो कि महक तुम ये हनुमान जी की पूजा करो क्योंकि मैं भी उनका भक्त हूँ देखो जैसे मुझे किसी, किसी की आस्था होती है ना तो कहीं पे भी कोई से भी भगवान के साथ में जुड़ सकती है जैसे कि मैंने मैं को नहीं बोला कि तुम शिवजी की पूजा करो हाँ तो क्या मैंने मैंने जो मांगा है वो मुझे मिला तो शुरू में भले हमें बहुत तकलीफ हुई बहुत परेशानी हुई तो क्या हुआ कोई तो बात नहीं अब सब है होता ही है फिर मैंने भगवान जी से इन्होंने बोला कि तुम एक बार मांग के देखो तुम्हारे दिल से तुम्हें लगता है तो मांगो नहीं तो कोई बात नहीं तुम्हें जो ठीक लगे वो करो उसके बाद से हमें हम हमारे पास मेहमान जा रहे थे थोड़ा सा थोड़ा दूर मंदिर है ज़्यादा दूर भी नहीं है तो हम वहाँ जाकर दोनों उनसे आशीर्वाद मांगते हैं उनसे हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए बोलते उन्होंने गाइस मैंने बोला और उन्होंने एक या दो दिन में उन्होंने मैंने सुन ली और हमारी प्रॉब्लम दिक्कत इतनी दिक्कत थी इतनी प्रॉब्लम थी हमें तक खाने तक पैसे खाने का कुछ पता ही खाने भी जाती थी ना उसके लिए भी तक पैसे नहीं थे एक लड़की को पता शिका कितना शौक़ होता आप लोगों को बताइए तो बस उस टाइम फिर मैंने भगवान से विश करी वो मैंने क्या विश करी आप लोगों को नहीं बताती विश नहीं बतानी चाहिए क्योंकि वो फिर पूरी नहीं होती ऐसा सुना है मैंने फिर मैंने उन्होंने विश करी मैं दो तीन दिन तक हम मंदिर रोज जाती मैं तो मंदिर रोज जाती आरती के टाइम पे भी जाती मैं उनसे मैंने विश करी विश करी फिर उन्होंने आखिर में, में मेरी सुन ली और हमें फाइनेंशियल लोगों ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया हमें सपोर्ट लोगों ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया हमने भी मेहनत करी सपोर्ट तो करा लोगों ने वो तो उनका तो मैं दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ हम दोनों ने मिलकर यूट्यूब पर भी बहुत मेहनत करी है गाइस बहुत ज्यादा ही बहुत ज्यादा मेहनत करी है ये एडिटिंग करने में रात भर करते थे मतलब दो घंटे एडिटिंग में लगते हैं और अभी हमारे पास वाई फाई नहीं है तो वीडियो अपलोड होने में टाइम लगता है तो उसको देखना पड़ता है जब तक अपलोड नहीं था पूरी रात भर हो जाती है सुबह पाँच बजे सोते हैं तो मैं भगवान जैसे ये भी कहती कि मेहनत रंग लाती है एक दिन कभी ना कभी रंग लाती है तो इनकी मेहनत रंग लाई और हम आप वीडियोस में देख ही रहेंगे हमने क्या क्या करा है लाइफ में जिसने सपोर्ट करा बहुत उसका तो मैं दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ बाकी हम मेहनत कर ही रहेगा फ्री का तो कुछ नहीं मिलता है ऐसा मेहनत करके ही मिलता है तो मेहनत कर रहे हैं और ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखना और मैंने जो भगवान जिससे मांगा वो मुझे मिल गया है और मुझे बहुत यकीन भी हो गया है कि हाँ इस दुनिया में भगवान होते अगर नहीं होते तो हमें कुछ मुझे कुछ जो मैंने उनसे मांगा था वो मुझे नहीं मिलता मुझे मिला है लोग मुझे गाली बकते हैं कुछ भी कहते हैं मुझे उनसे कोई फर्क नहीं भगवान है वो मेरी सुन रहे हैं है। में तो हमने, है। हमने तो प्यार प्यार किया है उनसे भगवान जी से यही बोला सब सब सभी प्यार करते सभी मोहब्बत करते इतना बड़ा पाप तो नहीं कर दिया हमने उनसे मैंने बहुत बोला बहुत दो तीन दिन मंदिर में रोज रोज जाती थी उसके बाद फाइनली उन्होंने मेरी सुन ली और मुझे

आजकल के लोग की आदत होती ना होते हुए भी यकीन नहीं करते क्योंकि उनके ऊपर उंगली उठेगी ना समझ रहे हो ना आप समझ सकते हो कि एक एक सामने वाले की सोच क्या हो सकती है मुझे भगवान है और मुझे उनसे कुछ, कुछ मिल रहा है तो मैं क्यों नहीं मांगूंगी और उनको क्यों नाराज करूंगी लोगों को कैसे मैं समझा सकती हूँ जिसको जिसको जो समझना है वो समझे अब तुम देख सकते हो कि मैं कितना खुश है इस रिलीजन में आके आगे मैं तो बहुत खुश हुआ आकर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मुझे जिससे जो मिल रहा है और बस आशीर्वाद की, की नजर तो। <laughs> तो लगने वाली नहीं है और नजर लगती भी तो नजर वालों का काला <laughs> ऐसा ना दो तीन मतलब चार पांच दिन हो गए चार पांच दिन <laughs> से बहुत ज्यादा तबीयत खराब है दोनों को डर लगता है यार आजकल लोगों की नजर बहुत पकड़ मिले न तीन बार नजर उतार दी गए अभी तक आजकल हो आप नजर उतार दी गई महक ने तो मेरी तो अब महक ने नजर उतारी तो किसी की नजर लगने वाली नहीं है और गैस बस इतना ही कहना चाहता हूँ आप महक इतनी खुश है एक हिंदू रिलीजन में आके सनातन में आके तो ये धर्म कितना पवित्र होगा सोच सकते हो आपके इसको महक को वो इज्जत दी जा रही है आप लोग इतना प्यार देते हो इतना सपोर्ट करते हो और भाभी जी बहन

अभी भी हमारे घर में दिक्कत है परेशानी है कोई बात नहीं लेकिन हमने उस पर भरोसा किया और भरोसा करते हुए देखो आज दोनों यहाँ पे इतने अच्छी तरीके से बैठे हुए हैं साथ में दोनों आ रहे बैठे सो रहे हैं पंखे में अच्छा, अच्छा है सब कुछ चल रही है घूम रहे हैं सब ठीक है चल रहा हाँ। है जो दिक्कतें भी आएगी दूसरे के साथ बैठे हुए हैं सब इ... दिक्कत भी को भी संभालेंगे आते भी है सम्भाल बुरे कमेंट्स करने वाले बहुत है गाइस मैं को भी बुरे कमेंट्स बहुत करे मुझे भी बुरे बुरे कमेंट्स बहुत करे लोगों ने हर तरह से कमेंट्स करने वालों की कोई कमी नहीं है इनके वालों ने इनके हिसाब से जो इनको इनके माइंड में कुछ चीजें थी तो उन्होंने उनके हिसाब से बताई और आपके दिल में साथ थे आप लोग तो आप लोगों ने उसी हिसाब से साथ में चीजें सपोर्ट की मैंने एक चीज नोटिस करिएगा इसके जो हिंदुत्व वाले लोग रहते हैं जो मैं तो देखो सपोर्ट कर रहा हूँ सभी को ठीक है वो कभी भी किसी तरह से कोई किसी को गलत कमेंट नहीं करते लेकिन इसको इतने गंदे-गंदे कमेंट ना उस टाइम कि क्या ही बहुत ज़्यादा अभी अभी भी कोई हमारी वीडियो देख रहा होगा वो मुझे you know, इसलिए उसको गाली बकरा बक खुश है और हिंदू धर्म की तारीफ कर रही है भगवान के बारे में बोल रही है तो उस वजह से गाली बकरे कितने ही लोग बकरे होंगे मुझे गाली पता नहीं तब उससे हम लोगों को ही फर्क नहीं पड़ता कहीं हम दोनों तो जो सच्चे रियलिटी किसी ने हम दोनों को खाने को हमारी मदद नहीं की जो काली बक उस, उसको ही पाप लगेगा गाली बकना भी पाप है बहुत बड़ा अरे बकने तो कोई दिक्कत नहीं है वो सब ऊपर वाला संभाल लेगा जिसको जो बकना है जो करना है वो करे हम दोनों तो हमारी लाइफ में खुश है दोनों एक दूसरे के साथ में है सपोर्ट बन के दोनों खड़े हुए हैं और बाकी भा, जो लाइफ को चलाने वाला ऊपर वाला है हम दोनों तरफ मेहनत कर सकते हैं और ऊपर वाला जो है वो सब कुछ अच्छा करेगा तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब तक अपना ध्यान रखेगा आई होप आपको हमारी स्टोरी पसंद आ रही होगी अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा जो हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को ज्यादा शेयर कीजिएगा और जो सपोर्ट करते हैं उनको तो दिल से थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो में सब अपना ध्यान रखना बाय बाय श्री राम जय श्री राम